जीडी की मनमर्जी पर एक बार फिर से हाईकोर्ट का डंडा चला है। पर्यावरण स्वीकृति के बिना अगर कोई निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में जीडी अपनी मनमर्जी से कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इससे पहले उसको 72 घंटे का अल्टीमेटम नोटिस भी देना होगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिए गए इस निर्देश के बाद जीडी की मनमर्जी पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल के पर्यावरण स्वीकृति बिना निर्माण के मामले में कहा है कि 72 घंटे का नोटिस दिए बिना बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही यह भी कहा है कि मामले पर नियमित रूप से कोर्ट में सुस्त सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में अवकाशकालीन कोर्ट का प्रकरण के किसी पहलू पर विचार करना उचित तो नहीं है। न्यायाधीश अशोक जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहना होटल्स एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि मात्र समाचार के आधार पर होटल की बिल्डिंग तोड़ने की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने कुकस के पास 5 सितारा होटल का निर्माण कर उसे होटल ताज आमेर को लीज पर दे दिया था। याचिकाकर्ता ने जीडीए से वर्ष 2011 में नक्शे पास कराए, लेकिन तय अवधि में निर्माण आरंभ नहीं किया जा सका। होटल नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से महज 4 मीटर की दूरी पर है, जबकि अभ्यारण्य से 1 किमी के दायरे में इस तरह की गतिविधियों पर संचालित नहीं की जा सकती। ऐसे में निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति जरूरी हो जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता ने स्वीकृति नहीं ली। याचिकाकर्ता ने पिछले साल राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे बोर्ड ने 22 फरवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद इसको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे तोड़ने के लिए जेडीए को पत्र लिखा। याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया जिससे लगता है कि जेडीए होटल तोड़ने जा रहा है, और जेडीए को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।